अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेकम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाज़िया। आज मैं लेकर आई हूं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। ये बहुत फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर लीजिएगा इसको। दिन में आप 3 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, जितनी बार लेना चाहें आप उतनी बार लीजिए। पीने में बहुत आसान है, आराम है, देता है आपके गले नाक को, और नज़ला ज़ुकाम भी जड़ से ही ख़त्म करता है। इसे लेना भी बहुत आसान है और बनाना भी बहुत आसान है। आजकल के हालात, जैसे कोरोना फैला हुआ है हर जगह, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमें दवा का काम कर रहा है। और जो हमारा किचन है वो ऑलरेडी दवाखाना ही है। एक बर्तन लीजिए, उसमें आपने पानी डालना है। ये हमने 1 कप बना रहे, तो हमें पानी चाहिए होगा 2 कप के बराबर। एक कप दो कप अब हमें इसमें डालनी है लौंग। यहाँ मैंने 4 लौंग ली हैं। साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, तेज पात पत्ता है, इसको हम ऐसे करके तोड़ के डालेंगे। और थोड़ी सी हमें अदरक भी डालनी है। इसे हम या तो कुचल के डालें या फिर कद्दूकस करके डालें। तो मेरे पास ये है कद्दूकस है, तो मैं इसे कद्दूकस करके डाल दूंगी। अब इसमें ज़रा सा हम नमक डालेंगे, तकरीबन चुटकी भर नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नमक हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा गला जब ख़राब होता है, और तो ये नमक अगर हम गर्म पानी में डाल के पीते ही हैं, सिंपली अगर हम नमक डाल के गर्म पानी में पीते हैं, तो वो भी हमें फ़ायदा करता है। तो बस अब इसे हमें बॉईल करना है, चलिए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काढ़ा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बस थोड़ी देर के लिए रखेंगे। इसे गर्म गर्म ही आपको पीना है, तो मैं ले जाती हूँ अपने ग्लास की तरफ। अब हम इसे कप में निकालेंगे, तो एक छन्नी की मदद से हम इसे छान लेंगे। और देखिए बिल्कुल ये 1 कप ही बचा है, देखिए इसमें कुछ पानी नहीं बचा है, इतना ही हमें पकाना था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा सबको हो, क्योंकि ये घर में ही चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सेफ रहिए अपने घर में, और दुआओं में ज़रूर याद रखिए, और अपना खूब 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 ख्याल रखिए।